हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश बुक. दिस वर्क इज एट पेज नंबर 144. एट दिस क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन रीड हियर. अ क्रैब हैज अ हार्ड शेल वेयर एज अ फ्रॉग डजंट हैव वन. कि जो एक क्रैब होता है उसकी जो शेल होती है वो बहुत हार्ड होती है लेकिन फ्रॉग की नहीं होती है. सो देयर आर मैनी एनिमल्स दैट प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज विद देयर आउटर कवर शेल्स और क्वील्स. कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि उनके पास ऐसी कवरिंग होती है या उनका शेल होता है या उनके क्विल्स होते हैं जिससे कि वो अपने आप को एनिमीज से सेव कर सकते हैं अपने आप को. ओके, सो इन द बॉक्स गिवन बिलो. कि इधर आप देख रहे हैं यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है. इस बॉक्स में क्या है? हेयर आर नेम ऑफ सम एनिमल्स. इन सर्कल द वर्म्स दैट कैन प्रोटेक्ट देम सेल्फ विद देयर हार्ड कवर. तो आपको वो एनिमल्स सर्कल करने हैं कि जो अपने आप को उनकी कवरिंग ऐसी होती है उस वजह से अपने आप को सेव कर सकते हैं. सो लेट्स फर्स्ट रीड द नेम्स ऑफ दीज एनिमल. क्रोकोडाइल, स्नेल, लिजर्ड, स्नेक, टर्टल, टोर्टोइस, गोरिल्ला, फ्रॉग, हेडजहॉग, प्रोक्यूपाइन. ओके, सो दीज आर द नेम ऑफ सम एनिमल्स. नाउ यू हैव टू सर्कल दोज एनिमल दैट कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ बिकॉज ऑफ देयर हार्ड कवरिंग. ओके, सो आई हैव सर्कल दीज एनिमल. फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्नेल. स्नेल एवरी वन नो दैट इट हैज अ हार्ड कवर. कि जब कोई रेन है या कुछ भी होता है तो इट कैन प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ बाय दिस हार्ड कवर. नेक्स्ट वन इज टर्टल. टर्टल के पास भी हार्ड कवरिंग होती है और टर्टोइज के पास भी. नेक्स्ट आता है बेटा हेडजहॉग एंड प्रोक्यूपाइन. आप इसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनकी जो बॉडी में जो ऐसे स्किन स्किन के ऊपर इनके इस तरह के इनके बाल होते हैं या जहाँ हम ये कह सकते हैं कि इनके जैसे इसका नाम है ना प्रोक्यूपाइन. तो इसके ऊपर नुकीली सी इसकी कवरिंग होती है जिससे कि अगर मान लीजिए कोई इसको पकड़ता है तो उसके हाथ में वो चुभ जाते हैं. तो इट कैन सेव इट्स सेल्फ फ्रॉम द एनिमीज बिकॉज ऑफ इट्स दैट टाइप ऑफ कवरिंग. कि उसमें इस तरह के नुकीली चीज़ें हैं और इसकी भी जो कवरिंग होती है वो भी ऐसी कांटेदार होती है कि जिसकी वजह से अगर उसको कोई टच करेगा तो उसको वो कांटे ही चुभ जाते हैं. और प्रोक्यूपाइन के लिए तो बोलते हैं कि वो अपनी बॉडी अगर उसको थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि उसके आसपास एनिमीज हैं तो वो अपनी बॉडी से ही यानी जो उसकी बॉडी पे जो कवरिंग ऐसी है उसकी तो वो अपनी बॉडी से ही वो जैसे कि तीर छोड़ते हैं इस तरह के वो पाइंस जो है वो छोड़ता है. तो इन दोनों एनिमल्स के बारे में आप जो है थोड़ा सर्च करेंगे गूगल पे या कहीं भी आप देखेंगे कि किस टाइप के एनिमल्स होते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर. नाउ पेस्ट और ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल. कि अब आप इनमें से या कोई भी आप एनिमल्स के बारे में आपको कोई भी एक एनिमल की पिक्चर पेस्ट करनी है या ड्रॉ करनी है एंड यू हैव टू राइट 5 लाइन्स अबाउट इट. ये काम तो बहुत ही छोटी क्लासेस के बच्चों का आप स्टार्टिंग से करते आए हैं. कोई भी एक एनिमल्स के बारे में आप पिक्चर पेस्ट कीजिए और उसके बारे में लिखिए. मैंने जो यहाँ पे लिखा है टॉर्टोइस के बारे में लिखा है. टॉर्टोइस की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं. अगर आप किसी और एनिमल्स के बारे में सर्च करना चाहते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला प्रोक्यूपाइन, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं हेडजहॉग के लिए, क्रोकोडाइल के लिए. तो आप देखेंगे बेटा आपको एनिमल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी. आपने शायद ईवीएस में भी पढ़ा हो जैसे किस एनिमल के एयर होते हैं, किसके नहीं होते हैं, कौन देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, है ना. तो ये चीज़ें आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा. सो लेट्स स्टडी अबाउट टॉर्टोइस. टॉर्टोइस के बारे में हम देखते हैं. Everyone knows tortoise can live on land and water and in water also. कि tortoise जो होते हैं वो land पे भी रह सकते हैं, water में भी रह सकते हैं. They have 4 legs and a shell. बिल्कुल simple sentences लिखे हैं मैंने. तो आप लोग सर्च करेंगे तो आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी कि जैसे इनकी 4 legs है और shell है. They are cold blooded. ठीक है, cold blooded हैं भी जैसे जैसे बोलते हैं कि जैसे इनका ब्लड जो है वो कोल्ड ब्लडेड मतलब जैसे ठंडा एकदम होने वाले जो ये जीव हैं. ठीक है, दे रेंज इन डिफरेंट साइज. कि जैसे इनके अलग अलग साइज होते हैं, जैसे कोई छोटा होता है कोई बहुत बड़ा होता है. तो इनकी जो
साइज जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। दे लिव अप टू 90 ईयर्स। इनकी एज वैसे बहुत बड़ी होती है, इनकी एज जो है, और 90 ईयर्स तो मतलब एक ये लगाओ कि मिनिमम ही है, मतलब 90 ईयर्स से भी ऊपर जो है ये, मतलब 90 ईयर्स तो है ही है, 90 ईयर्स से ज़्यादा भी इनकी एज होती है। सो स्टूडेंट टुडे यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश बुक ओनली। ओके, आप अपनी बुक में ही कर सकते हैं। और आप इन एनिमल्स के बारे में, सब बच्चे जो है इनके बारे में, गोरिल्ला है, फ्रॉग है, इनके बारे में सर्च करेंगे, इनकी आपको नॉलेज मिलेगी आपको कि कौन सा एनिमल क्या खाते हैं, क्या किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड हाउ हाउ मैनी ईयर्स दे लिव, कितने सालों की लाइफ होती है उनकी। तो सभी बच्चे जो है इस पे ये सर्च करेंगे और ट्राई करेंगे कि एक एक लाइन, जिसने आपने जैसे जितने सारे एनिमल्स हैं सबके बारे में एक एक कुछ डिफरेंट लाइन सर्च करके लिखेंगे बच्चे। ओके, थैंक यू।